सो गाइस हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, आप सभी का स्वागत है वीडियो में। गाइस आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं फ्रैक्शन। जो भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, लेकिन वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको ये टॉपिक समझ में आए। सो हम लोग शुरू करते हैं वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सो फ्रैक्शन, ठीक है, तो आप थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लो। मान लो आपने एक पिज्ज़ा लिया हुआ है, ठीक है ना, वो पिज़्ज़ा के आपने क्या किए, आपने उस पिज़्ज़ा के 4 parts कर दिए, यानी 4 part में आपने उस पिज़्ज़ा को उसको पिज़्ज़ा का लुक दे देते, क्या बोलते हैं, हाँ। अब ये जो पिज़्ज़ा है इसके आपने 4 parts कर दिए, कितने पार्ट्स कर दिए, 4। तो जितने पार्ट्स हैं ना वो हम लोग नीचे लिखे, दैट इज़ 4, ठीक है। तो पिज़्ज़ा के उन्होंने 4 parts कर दिए ना, अगर मैं 4 में से 2 parts खा जाऊँ तो ये पॉसिबल है कि नहीं है, है ना, पॉसिबल, बरोबर। सो मैं 4 में से 2 parts खा सकता हूँ। सो ऐसा जो फ्रैक्शन होता है जिसमें ऊपर जो है एक स्मॉल नंबर होता है और नीचे बिग नंबर होता है, बड़ा नंबर, ठीक है, जिसका न्यूमरेटर जो होता है स्मॉल होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना। ध्यान देना, ये था प्रॉपर फ्रैक्शन, अभी मैं आपको इम्प्रॉपर समझाऊंगा, ठीक है ना। वापस मैंने वही पिज़्ज़ा लिया सेम, फिर से मेरे 4 दोस्त, देख खाऊंगा तो मैं ज़्यादा, तो फिर से 4 parts कर दिए मैंने, तो पार्ट्स कितने हैं, 4 ना, 4 parts है लेकिन मैंने खाए हैं 5। पार्ट्स तो 4 है, मैंने खा कितने लिए, 5। क्या ये पॉसिबल है कि 4 में से मैं 5 खा पाऊँ, ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा जो नंबर होता है जिसमें ऊपर जो बड़ा नंबर होता है बिग, नीचे जो है स्मॉल नंबर होता है, दैट इज न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, ऐसे फ्रैक्शन को मैं बोलता हूँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। सो सिंपल है, जितने पार्ट्स है उसको नीचे लिखना है, इसमें से मैंने कितने खा लिए, 2 खा लिए, ठीक है, तो 4 में से 2 खा लिए, ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, इसको मैं बोलूँगा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर क्यों, क्योंकि ये पॉसिबल है, मैं 4 में से 2 खा सकता हूँ, तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे ना। इसमें भी 4 ही पार्ट है लेकिन मैंने खा लिए 5, 4 में से 5 खाना पॉसिबल नहीं है, जिसमें ऊपर बड़ा है और नीचे छोटा है, इसको मैं बोलूँगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। सो आई होप आपको प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो गाइस हम लोगों ने अभी प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखा था ना। जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसको हम लोग और एक तरीके से लिख सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है ना। इसमें इसको कैसे लिखा जाए, तो हम लोग ये जो 5/4 है इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 को डिवाइड करेंगे 4 से। सो 4 1 4 माइनस किया तो कितना बचा, 1 ना। तो हमने जिससे डिवाइड किया उसको हम लोग नीचे लिखेंगे, जो हमारा रिमाइंडर है वो यहाँ पे आएगा ऊपर 1, एंड ये जो हमारा क्वेश्चन है ये आएगा यहाँ पे आगे। इसको अगर हमको वापस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे करूँगा, सो मैं इसको उसके मल्टीप्लाई करूँगा, 4 1 4 + 1 ये करूँगा, 4 1 4 + 1 कितना आएगा, 5, और नीचे आएगा 4, तो ये वापस कन्वर्ट हो जाएगा। हम लोग एक और एग्जांपल लेके ट्राई करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ले लिया मान लो 11/2, ठीक है, इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। सो मैं कैसे कन्वर्ट करूँगा इसको, सो इसको कन्वर्ट करने के लिए पहले मैं डिवाइड करूँगा, 11 को डिवाइड करूँगा 2 से, सो 2 5 10 माइनस किया क्या आएगा, 1। ओके, सो कैसे हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, जिससे डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, 2 से, तो 2 लिखेंगे नीचे, ठीक है। रिमाइंडर क्या बचा है हमारा, 1, तो वो आएगा यहाँ पे, एंड ये जो हमारा क्वेश्चन है ये यहाँ पे आएगा 5। तो हम लोग 11/2, 11 का अगर 2 parts करें तो आएगा 5.5, ठीक है। इसको अगर मैं फिर से इसमें कन्वर्ट करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, सो 5 × 2 10 + 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इसमें ये ऐड करना है, 5 × 2 = 10 + 1 = 11, और नीचे जो नंबर है वो हमेशा नीचे आएगा, दैट इज 2 11/2। सो आई गेस आपका जो फ्रैक्शन है उसमें इम्प्रॉपर, ओके, सो गाइस आपका फ्रैक्शन के टॉपिक में प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, ये टॉपिक कवर हो गया, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड आपके अगर कुछ डाउट्स रह गए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, या फिर कुछ और आपको टॉपिक पे वीडियो अच्छी है तो वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।